श्री श्री 61 श्री स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज गुरु चरणों में बैठे समूह सत्संग जीओ आप सब नू जय गुरुदेव जय श्री रविदास जी। राग अमृत वाणी सतगुर रविदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चल मन खर चट साल पड़ाओ गुरु के साथ ज्ञान का अंतर प्यार तो सहज समाध लगाओ। चल मन खर चट साल पड़ाओ के साथ ज्ञान का अंतर विसरे सहज समाध लगाओ। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संग जीओ आप सभी को जय गुरुदेव। जैसे कि सभी संगत को मालूम ही है कि दो दिन का जो सीवर है, जो सेमिनार है, वो चल रहा है। बहुत सी संगत थी जो कल को सेमिनार में थी, तो दास पहले ही निवेदन कर दे के कोई संगत आ जाई है, अगर आप भी इस सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज अपना नाम रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले। सत्संग के बाद वो पहुंचने में जहां पर स्टैंप लगाई के जे गुरु जी की ही बानी है। जब सतगुरु रविदास महाराज जी आए तो गुरु जी ने देखा क्या है कि गुरु जी का बहुत सा समाज जो है वह अज्ञानता वश है। अज्ञानता वस होकर के नसों में लीन है और विकारों में लड़ाई झगड़े हैं, और जिस सभी कारणों करके जी गरीब है, लोग गरीबी की दलदल में धसे हुए लोग हैं। गुरुजी ने सोचा कि इन लोगों का सुधार कैसे होगा, तो गुरुजी ने सोचा कि इनको सबसे पहले ज्ञान की जरूरत है, विद्या की जरूरत है। गुरुजी ने कहा था, मादो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलीन, विद्या के बिना बबेक रूपी दीवा तुंधला रह जाता है, इसलिए विद्या का होना बहुत जरूरी है। गुरु जी ने जो आज लोग बात कर रहे हैं विद्या की, आज से 646 साल पहले जब जन्म लिया तो गुरु जी ने लोगों को ये बता दिया, क्या आपका सुधार कैसे हो। गुरु जी ने कहीं नहीं लिखा कि आप तीर्थों में जाएंगे तो आपका सुधार हो जाएगा, आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका सुधार हो जाएगा।
गुरु जी ने आज से 600 साल पहले जे बात कहा, चल चल मन चट साल पढ़ा। अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, अगर आप महान बनना चाहते हो, तो गुरु जी ने कहा है चल मन चट साल पढ़ाऊं। चट साल का भाव है पाठशाला। ऐ इंसान तू पाठशाला में जा, पाठशाला जाने से तेरा सुधार होगा। पाठशाला में जाकर के तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। गुरुजी ने कहीं नहीं लिखा है तो पहाड़ों में चला जा, वो भी कई पैदल चलते हैं, कि पहाड़ों में जाकर के तेरा कल्याण हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा। गुरुजी ने कहीं नहीं लिखा कि आप तीर्थों में स्नान करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, कहीं नहीं लिखा। गुरुजी ने क्या लिखा? स्कूल में जाकर के तेरा कल्याण हो। तो दास ने इस जे अपने जीवन में प्रैक्टिकल भी देखा। मेरे ताया जी, मेरे पिताजी दोनों परिवार रल करके हम काफी बड़ा परिवार बन चुके थे। कोई 15 मेंबर थे दोनों परिवारों के। गरीबी थी, 15 मेंबर खाने वाले थे। एक ही ताया जी अमृतसर काम करते थे, पिता गांव में ही कोई काम करता था। मेरी ताई जी बहुत कर्मकांडी थी, बहुत व्रत रखती थी, बहुत कर्मकांड किया करती। मेरी माता ने कईयों के व्रत रखने, कैसे कैसे हमारी गरीबी खत्म हो जाए। मुझे याद है कि हमारी गरीबी खत्म ना हुई, बहुत व्रत रखे उन्होंने, बहुत पूजा पाठ किए, बड़े कर्म कांड किए। अब क्या हुआ? मेरे ताए जी का एक बेटा बैंक में मैनेजर लग गया, और मेरा एक भाई वो आईटीआई किया और अरब कंट्री में चला गया। जब वो अरब कंट्री में चला गया, उसने भी पैसे भेजने शुरू कर दिए घर पे, और उधर बैंक में मैनेजर लग गया, उसकी तनख्वाह भी आना शुरू हो गया, गरीबी खत्म हो गया। मिडिल क्लास जैसे घर बन गए, खाना खाने के लिए मिल गया। किसके कारण? क्या वो कर्म कांडों ने किया? क्या जी गरीबी हमारे माता चाहे ताई जी के व्रत रखने से खत्म हुई? नहीं। किससे खत्म हुई? स्कूल से, एजुकेशन से। गुरुजी ने आज से 600 साल पहले वो बात कहा जो बाबा साहेब जी ने अजोके युग में कहा।
तो पढ़ाई के बाद गुरुजी ने क्या कहा? उन्होंने क्या गुर की सांट ज्ञान का असर बिसरे ते सहज समाद लगाऊं। जहां हमने विद्या को हासिल करने वहां आध्यात्मक वाद होना भी जरूरी है। ओनली स्कूल विद्या ही नहीं। गुरुजी आगे चल पड़े। अब जहां हमने स्कूल में एजुकेशन प्राप्त किया है वहां गुरुजी ने हमें एक और शिक्षा दे दिया। क्या दिया? कि सहज समाध लगाऊं, ज्ञान का सांट ज्ञान का अक्षर, गुर की सांट ज्ञान का अक्षर बिसरे ते सहज समाध लगाऊं। पहले जो टीचर होते थे एक सोटी पकड़ी उसके साथ वो अक्षरों का ज्ञान देते थे। गुरु के ज्ञान से, गुरु की संगत से मुझे ज्ञान हो गया। जहां ज्ञान हुआ वहां पर सहज समाध लगाऊं। समाधि के साथ जोड़ने के लिए वे गुरुजी ने बोल दिया। अध्यात्मकवाद के साथ भी गुरुजी ने जोड़ने के लिए कहा है। क्यों? जो पढ़ाई है आज का वैज्ञानिक युग है, बहुत बढ़िया युग है। हम इधर बैठे हुए हैं, अभी मैं मुंह से बाहर कोई आवाज निकाल रहा हूं, जिस सामने कैमरा लगा हुआ है अमेरिका में साथ साथ सुन रहे। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, वैज्ञानिक ने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ अध्यात्मकवाद होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? और केवल अध्यात्मकवाद होना भी जरूरी नहीं, उनके साथ साथ ज्ञानवान होना भी जरूरी है, विद्या होना भी जरूरी है। दोनों साथ साथ में हुए तो जी अपनी मंजिल को पा जाएगा। जो ओनली साडा वैज्ञानिक है जे अंधा है। एक दफा मैंने जे बात कहा तो एक चिढ़ गया, कैसे? मैं क्या? हां, जेड़ा केवल ते केवल जहां तक सीमित है पढ़ाई करने, उसमें आध्यात्मकवाद नहीं है, वो अंधे की तरह है। बलवान बहुत है, तकड़ा बहुत है, बल है, वो बहुत दौड़ सकता है, लेकिन है अंधा, कहीं भी वो खड्डे में गिर सकता है। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, ज्ञानवान होना हमने और साथ साथ अध्यात्मकवाद होना। जेड़ा केवल अध्यात्मकवाद ही है, तर्कशील नहीं है, वो लंगड़े की तरह है। उसको दुखाई तो बहुत दे रहा है, लेकिन वो बहुत तरक्की नहीं कर पाएगा जीवन में। समाज को उसका बहुत तरक्की नहीं कर पाएगा वो अध्यात्मकवाद के साथ तो जुड़ा रहा, सामाजिक तरक्की नहीं होएगा। सामाजिक तरक्की तो ही होगा अगर उसके साथ उसी के पास दुनिया की भी विद्या हो। अगर दुनियावी विद्या नहीं है तो वो
अपनी दैरी में रह रहेगा। तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। वैज्ञानिक को अंधा क्यों कह दिया? जैसे अभी अभी थोड़ा समा बीता, हम सभी उसी दौर से गुजरे हैं, कोरोना के दौर से। कोरोना एक वैज्ञानिक एक विद्या की ही कार्ड है, क्योंकि मनुष्य जो अध्यात्मक साथ के नहीं जुड़ा होता, उनका दिमाग शरारती हो जाता है और सोचता है कि मैं पूरी दुनिया पर कैसे राज करूंगा, मैं किसी को अपना गुलाम कैसे बनाऊंगा। वो विद्या आगे की आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और आज वो टेक्नोलॉजी कहाँ पर खर्च हो रही कि दुनिया का नाश कैसे करना है। वो बम ज्यादा बनाता है, दूसरा मिसाइल उससे भी खतरनाक बनाता है। तो ना जाने जब जे विस्फोट हो गया तो कितना नुकसान करेगा, किसने किया? वैज्ञानिक ने, साइंस ने। अगर इसके साथ साथ अध्यात्मकवाद रहेगा तो अध्यात्मकवाद वाला जो इंसान है वो कदी विनाश की ओर नहीं चलता, उसके मन में दया रहती। इसलिए सबसे पहले तो विद्या का होना बहुत जरूरी है। वो मिलेगी हमें स्कूल में। और दूसरा, गुरु जी ने कहा अध्यात्मक होना भी बहुत जरूरी है। कुदरती है जो अध्यात्मकवास के साथ जुड़ा होता है उसके मन में दया रहती है। कोई अवसर था, काफी बड़ा अवसर, कहता मेरा जो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मिलाप होता है और हम लोग जिसके पास ब्लैक मनी होती है उनसे निकालने का भी हम काम करते हैं। एक दफा किसी के साथ उसका भेंट हो गया, वो अवसर बोल रहा था मुझे। तो जब उसके घर से 50 करोड़ रुपया मैंने पकड़ लिया तो वो कहने लगा कि देखिए सर, 25 करोड़ आप रख ले, 25 करोड़ मेरे पास रहने दे और आप जहां कहेंगे वहां मैं पहुंचा दूंगा। प्लीज आप भी अमीर हो जाएंगे, मैं भी गरीब नहीं होंगे। कहता देख, आपने 50 करोड़ रुपया अंदर रखा है, ऐसे 25 करोड़ मुझे दे देगा, मैं अंदर रखूंगा। आज तू राखी कर रहा है, कल को मैं राखी कर रहा हूँ। मैंने इसके कैसे क्या लेना देना, मुझे जे 50 करोड़ जे 25 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देता है देती है, मेरा गुजारा बहुत सुंदर चल रहा है। ये विचार उसके मन में क्यों आया, मैं सोच रहा था। सभी लालच में फंस जाते हैं, क्योंकि वो गुरु रविदास महाराज जी का सच्चा सुच्चा सेवक था, जिसने पढ़ रखा था गुरु जी को। जब प्रभु ने खुद पार्स देना चाहा तो भी उन्होंने ठुकरा दिया। तो मुझे अच्छा लगा, मैं क्या बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सोच सकते थे कि इतना दौलत आ रहा। कहता महाराज जी, मैं देख लिया। क्या देख लिया? कुछ ही सालों में नहीं, मैंने देख लिया कि बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग हैं सभी दुखी,
कोई बच्चों से दुखी, कोई घर वाली से दुखी, कोई भाइयों से दुखी, और टेंशन दिमाग में इतनी कि वो डिप्रेशन में ही गए हुए हैं, और पैसा इतना कि जिसका हिसाब नहीं। तो मैं सोच रहा था इतना धन पा लिया लेकिन संतुष्टि नहीं, शांति नहीं, मन को खुशी नहीं, तुझे पैसे से क्या करना है। पैसे से हम दुनियावी सहूलतें ले सकते हैं लेकिन खुशी नहीं, आनंद नहीं। आनंद गुरुजी ने कहा प्रभु के नाम से ही मिलेगा, वो सिमरन से, ध्यान से। तो जहां पर आपने विद्या को हासिल करना है वहां पर आपने जीवन के थोड़े पल निकाल करके सिमरन में करना होगा। गुरुजी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, प्रेम पाटे सुरत लेखना करे राम मालिक आंक दिखाऊं, जे बित पुकत पे प्रेम पाटे सुरत लेखना करे राम मालिक आंक दिखा। गुरु जी की वाणी की जे पंक्ति प्रेम पाटे सुरत लेखन कर रा रा मम्मा लिखे अंक दिखाऊं, इस पंक्ति ने हमारा बहुत बड़ा जो भ्रम था वो खत्म कर दिया। बहुत से विद्वानों ने जो गुरुमुखी लिपि है इसका लिखा है कि जे गुरु रविदास जी ने लिखी थी, पर कुछ विद्वानों ने कुछ और महापुरुषों के लिए बोल दिया। कुछ विद्वानों ने जो कुछ और महापुरुषों के लिए बोल दिया कि जे गुरुमुखी लिपि उन महापुरुषों की लिखी हुई है, जे पंक्ति सिद्ध करती है, प्रेम पाटी सुरत लेखन कर रारा मम्मा लिख अंक दिखाऊं, जिन महापुरुषों के नाम विद्वानों ने कहे हैं उनका जन्म गुरु रविदास जी के जन्म से बाद में हुआ, गुरु रविदास के जन्म से बाद में जन्म। तो जी जो गुरुमुखी दे अक्षर हैं, जी गुरु जी ने पहले उनके जन्म से पहले ही लिख दिए, जी पंक्ति साबित करती है कि जो गुरुमुखी लिपि है जी सतगुरु रविदास महाराज जी की उचारी हुई है, जी लिपि गुरु रविदास जी की देन है। कल को ही डॉक्टर मनोज दहिया जी ने कहा बेशक उन दिनों में कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं होती थी लेकिन गुरु रविदास बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था, जैसे उनकी वाणी में संस्कृत,
ब्रिज पासा और फारसी अरबी आदि के अक्षर मिलते हैं। वहां से जी मालूम पड़ता है कि गुरुजी बहुत ज्यादा लैंग्वेज जानते थे और कई रागों में गुरुजी ने अपनी वाणी को कहा। तो गुरु प्यारी सत्संग जियो, वाक्या सतगुरु रविदास जी बहुत बड़े विद्वान थे और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक जो आज कह रही है कि जो पानी है ये दो गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जे गुरु रविदास जी ने 600 साल पहले कह दिया था। उन्होंने कहा था, मैला गढ़ बेड़े है पोयंगा, बिखे अमृत बसे एक संगा। जो पानी है इसमें विष भी है और अमृत भी है। अमृत क्या है? ऑक्सीजन जो हमारा जीवन वरदान है और हाइड्रोजन जानलेवा गैस। तो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी से जे संदेश मिलता है कि जो जे गुरुमुखी लिपि है गुरु रविदास जी ने उचारी है। जेह बेद मुक्त पेशन काद करी दे बिदार प्रकाश दिखाऊं। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, जिनकी तू कहानी इतिहास पढ़ता है कि वो ब्रह्मा के बच्चे मुक्ति को पागे, मैं बताता हूँ वो मुक्ति को कैसे पैगे पागे। वो जो सहज संवाद जो गुरुजी ने हमें तरीका बताया है कि वो समाधि कैसे लगाई जाती है, सहज समाधि उपाद रहत फुन वड्डे पागले बलागे, कहे रविदास प्रकाश रिधे तार, जन्म मरण पै पाग। सहज समाध, गुरु जी ने कहा कि आप किसी भी सहज आसन पर बैठ जाइएगा, जहां पर आप देर तक बैठ सके और सभी तरफ से मन बुद्धि को हटा करके अंतर ही अंतर आप जुड़ जाएं। जब आप अंतर ही अंतर जुड़ जाएंगे तो आपके अंतर प्रकाश हो जाएगा, चानन हो जाएगा, आप मुक्ति को पा जाएंगे, आप बंधना से रहित हो जाएंगे और जीवन का आनंद पा लेंगे। जे ही ब्रह्मा के बच्चों ने जो कर्म था किया था, तो गुरु जी ने हमें जे बंधनों से रहित जीवन कैसे हमने करना है जे बता दिया। जेह बिद मुक्त पेशन काद रिदे बिदार प्रकाश दिखाऊं। जब आपके हृदय में प्रकाश हो जाएगा, चानन हो जाएगा, तो हमने अपने अंतर ही अंतर उस प्रकाश को करना होगा। और इसके साथ गुरु जी ने जे भी कहा है, प्रेम पाटी सूरत लेखन कर ए इंसान, तो प्रेम दी फट्टी दे ऊपर
सुरती दी स्याही दे नाल अपनी मन दे कागज दे उपर जो लिखने लिख ले। गुरु जी के कहने का भाव है जहां पर जे भी कि जो हम कहते ना प्रभु ने कर्म लिख दिए, गुरु जी कहते नहीं, प्रभु ने आपको जन्म दे दिया, आप जीवन को कैसा जीना चाहते हैं, जे आपको कलम भी दे दिया, स्याही भी दे दी, कागज भी दे दिया। प्रेम पाटी सुरत लेखन कर, प्रेम दी पट्टी दे उपर सुरत दी लेखनी दे नाल जो लिखना है तू लिख सकता है। तो गुरु प्यारी सत्संग जियो, गुरु जी ने हमें एक वो बात इसी शब्द में की आगे पंक्तियों में आ जाएगा बता दिया, जो हम आज तक जे सोचते रहे कि जो प्रभु ने लिखा है वो ही होने, गुरु जी ने कहा नहीं जी, मैं आपके ऊपर बात छोड़ दिया है, मैंने जन्म देना था दे दिया, आपको लेके जाना है मैं ले जाऊंगा, जीवन कैसे गुजारना है ये आपके ऊपर है। गुरु जी ने बड़ा सुंदर अपनी वाणी में आगे फरमाया, कागज कंबल मत मस कर निर्मल, बिना रसना इस दिन गुण गाओ, कह रविदास राम जप संत साख दे बहर ना आओ, कागद कंबल मत मस कर निर्मल, बिन रसना निस दिन गुण गा, जप पाई संत साख दे बहर नाओ। गुरु जी कहंदे हैं कि ए इंसान तेरा हिरदा एक कागज दी तरह है, तेरी सुरत एक लेखन की तरह है, जो भी लिखना है तू अपने कर्मों में लिख सकते। गुरु जी ने जे नहीं लिखा के प्रभु ने तुझे दुखों में डाल दिया है, जे दुख भोग नहीं पड़ेंगे, नहीं, प्रभु का काम था जीवन ज्योत कैसे जली, कैसे होवे अंत, रविदास मनुख ना जानिए जानत है भगवन, जीवन की ज्योत को जला दिया प्रभु ने, गरीब कर जन्म दे दिया, अमीर कर जन्म दे दिया, जे प्रभु के हाथ में था। और जो आखरी समा है जे भी प्रभु के हाथ में, जीवन ज्योत कैसे जली कैसे होवे अंत, इसके बीच वाला जो समा है जन्म से मौत तक, इसको आपने कैसे गुजारना है जे आपके हाथ में। आप चाहे तो जे जीवन को नरक बना ले, आप चाहे तो जीवन को स्वर्ग बना ले,
आप चाहे तो सुखी राम बन जे, आप चाहे तो दुखी राम बन जे, जे आपके हाथ है। गुरु जी ने हमें सुखी राम बनने का रास्ता बताई दिया। जैसे इसी शब्द में सबसे पहले उन्होंने कहा, चल मन चट साल पढ़ा पाठशाला में जा, पाठशाला में जा करके हमने विद्या हासिल कर ली, हम किसी भी नौकरी पे लग गए, जहां कहानी खत्म नहीं। गुरु जी ने आगे कहा कि अध्यात्मक वाद भी बन, अध्यात्मक वादी होना तेरा जरूरी है। जो अध्यात्मक वादी होगा वो विकारों से रहित हो जाएगा, उसमें नशे नहीं होंगे, उसमें क्रोध नहीं होगा। तो जब शांति रहेगी मन में तो अपने आप ही आनंदमय जीवन बन जाएगा। पर जेकर हम गुरु जी की बात को नहीं मानते, गुरु जी ने कहा हर सो हीरा साढ़ के करहे आन की आस, तेनर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। अगर हम गुरु जी की बात को नहीं मानते, मन विकारों में है, क्रोध में है, नशों में है, प्यार नहीं है, तो तेनर दोजक जाएंगे, तो तेरा जीवन क्या बन जाएगा? नरक बन जाएगा। तो इसलिए हाथ हमारे हैं, चाहे जी जीवन को आप स्वर्ग बना ले चाहे नरक बना ले, आपके हाथ में गुरु जी ने कलम दे दिया, आपके हाथ में कागज है। मैंने देखा कई भजन बोलते हैं कि प्रभु जी कलम हाथ दवात हाथ तेरे ते सोने मेरे लेख लिख दे। प्रभु आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में दीवात है, मेरे अच्छे कर्म लिख दे। गुरु जी कहते नहीं, प्रभु ने लिख दिए, अच्छे ही कर्म लिख दिए, अब तूने सोचना है मैंने क्या करना है। आपको मनुष्य बना दिया, आपको उसने अपने जैसा बना करके भेज दिया। प्रभु ने कह दिया दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, मैं तुझे दुर्लभ जन्म दे दिया, अपने जैसा बना करके भेज दिया। अब तो आपने सोचना है ना कि मैंने जीवन कैसे गुजारना, मैंने जीवन को कैसे बनाना है। तुझे हमारे हाथ में, इसलिए हमने अपने जीवन को बढ़िया बनाना है। तो बढ़िया बनाने के लिए बढ़िया कर्म करने हैं। सतगुरु कबीर जी ने भी कहा है, उद्यमी अग्गे लसमी पखे अग्गे पौन, उठ कबीरा किरत कर तिन सुतिया नु देगा कौन। हमें सोए हुए किसी ने कुछ नहीं देना, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। आप सुबह उठे, स्नान किया, नाश्ता तैयार किया, खाया और आश्रम में चले आए। अगर आप बिस्तरे से ना उठते तो जहां नहीं पहुंच पाते। कभी भी जे नहीं सोचना प्रभु ने जो लिखा है वो हो जाएगा। गुरु जी कहते नहीं खुद लिखना तूने, मैंने क्या बनना, क्या किस मंजिल को पाना है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप हर मंजिल को पा जाएंगे। तो बिन रसना निस दिन हर गुण गाओ, जहां पर गुरु जी ने जिस समझाने की हमें कोशिश की है। कई कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, हम कहाँ प्रभु का नाम ले पाएंगे, गुरु जी का शब्द कैसे याद करेंगे। गुरु जी कहते काम छोड़ने की तो
दूर की बात, आपको तो जबान भी हलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं शब्द आपको दे रहा हूँ, काम छोड़ने की बात तो अलग रह गई, आपको जबान भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो शब्द जो है, वो नाम जो है, जबान के बिना हो रहा है। ये बात जो गुरु जी ने कहा, बाच गुरु अंगद देव जी ने भी कह दिया। अखी बाजो देखना बिन कन्ने सुनना, पैरी बाजो चलना बिन हथे करना, जीबे बाजो बोलना औ जीवत मरना, नानक हुक्म पसाने ता ओ खस में मिलना। ओ ऐसा शब्द है, ना तो जबान चलाने की जरूरत है, ना हाथ हलाने की जरूरत है। वो बिना जबान के शब्द हो रहा है, बिना कानों से सुनो रहा है। गुरु जी ने वो शब्द दिया हमें जो ऑटोमेटिक चल रहा है। तो लास्ट में गुरु जी कहते हैं, कहे रविदास राम जप बाई संत साख दे बहुड़ ना आओ। गुरु जी ने कह है, इंसान प्रभु का नाम सिमर ले, संत साख दे बहुड़ ना आओ। जो नाम जपने के लिए कह रहे हैं, वो संत बार बार दुनिया में नहीं आते। गुरुजी ने संतों के बारे में कहा है कि संत बार बार दुनिया में नहीं आते। दास सारी संगत को जी बेनती करता है कि सतगुरु रविदास वर्गिया महान ताकतां बार बार नहीं आते। ये महान और कितने महान थे, गुरु अर्जन देव जी ने बोल दिया, रविदास है ऊंच तो ऊंच नाम दियो समदर्शी रविदास, ठाकर बने आए। वो रब बन के दुनिया में आए थे। गुरु रामदास जी ने बोल दिया कि रविदास चमार उस्तत करे, हर किरत निमखे एक गाए, पतत जात उत्तम पिया चार वर्ण पे पागे आए। गुरु रविदास जी के चरणों में चारे वर्णों के लोग आए, चारे वर्णों ने गुरु जी को अपना गुरु माना। हरिद्वार पंडित गंगा राम दा परिवार जी बताते है, आज भी वो गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर की वहां पूजा कर रहा है। आज भी चित्तौड़गढ़ गुरु रविदास जी की चरण पादका की मीरा चाला के किले में उनके चरणों की पूजा हो रही है। चारे वर्णों ने गुरु जी को अपना गुरु बनाया। कल को ही डॉक्टर धजिया मनोज धजिया जी ने बताया था कि अपने आप को कमजोर मत समझो। आपके गुरु कितने महान थे, पूरे बनारस को चुकने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, जे नहीं है जबानी बात है, उसमें आता है कि गुरु जी के चरणों में महान जो महान महान विद्वान थे वो भी दंडौत करते थे। इतने महान हो तो ऐसे संत बार बार दुनिया में नहीं आते, बार बार उपदेश नहीं देते। तो ऐसे जेड़े गुरु लोग ने उनकी वाणी को हमने मानना है। आप बड़पागी हो, आप उस रहबर की औलाद हो जिनके चरणों में चारे वर्णों के लोग आए, और जिस जाति के गुरु के चारे वर्ण सेवक होन, हम उनकी जाति ऐसे परमती रहे, ऐसे घूमती रहे, ऐसे वर्मों में डली रहे। नहीं,
आइए गुरु जी की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाए। गुरु जी ने जो कहा है, कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को स्कूल के बिना नहीं रहने देना, उनको एजुकेशन जरूर दिलाना है और एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक वाद के साथ भी जोड़ना है। हम बच्चों को क्लबों के में साथ लेकर के जाते हैं, कहीं ब्याह शादी है, पार्टी है तो साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन जब सत्संग में आना होता है तो कभी नहीं सोचते कि बच्चों को साथ लेकर के जाएं। ये साथ लेकर के आना है ताकि बच्चों में अच्छे संस्कार आ सके, गुरु जी की वाणी को मान सके। जब हम गुरु जी की वाणी को मान लेंगे, हमारा जीवन अपने आप ही स्वर्ग बन जाएगा, हमारा जीवन सेवन सितार बन जाएगा। जैसे गुरु जी ने कहा था ना, वो सात सितारा जीवन की बात, बेगमपुरा शहर को नाओ दुखे अंदाओ नहीं तै ठाओ, नात सबेस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। जब हम गुरु जी की वाणी को मान लेंगे तो हमारा जीवन बेगम हो जाएगा, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, अंधो चिंता नहीं रहेगी, तसबीस घबराहट नहीं रहेगी और अपने पाप का डर नहीं रहेगा। कोई भी हमें तरस जवाल काटे का डर नहीं रहेगा, हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा, सात सितारा जीवन बन जाएगा। आइए हम गुरु जी की वाणी को अपने जीवन का आधार बनाए। जे ही गुरु जी का उपदेश है। आखिर में निवेदन है कि सत्संग के बाद भी जे जो हमारा कैंप चल रहा है, जहां पर जो सेमिनार उसकी क्लास शुरू हो जाएगी, आपने जिन्होंने जी क्लास को में हाजरी लगानी हो तो नीचे जो मेडिटेशन हॉल है वहां पर डॉक्टर मनोज दहिया जी आपको बताएंगे गुरु जी के जीवन के बारे, और जो भी संगत बाहर से आई है दास उनका बहुत बहुत धन्यवाद दी है। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास।